वो बदल गया है, अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। गाइस, होशियार रहना। रोशन टाइम, हम उस लोकेशन पर 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। वो एक ही है जिसके इशारे पर ये सब हो रहा है। अगर ये बात फैल गई तो सारे लोग भाग निकलेंगे। विजयी के फैंस बॉम्बे कर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजयी एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है। विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, 2 बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी? क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं।
और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है। और यह कंटेंट वन टाइम हुआ, 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है। और यह कंटेंट
वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है। विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, 2 बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड 2 वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है। विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान
बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी? क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकेंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी? क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता।
संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखें, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी, फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है, बीवी दो बच्चे एक कैफे आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखें, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन
उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है। और यह कंटेंट वन टाइम हुआ, 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है, बीवी दो बच्चे एक कैफे आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है। ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है। और यह कंटेंट वन टाइम हुआ, 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%।
यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है, बीवी दो बच्चे एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम वॉच है। सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है, बीवी दो बच्चे एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है।
हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकेंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखें, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी, फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है, बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखें, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना
कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है। और यह कंटेंट वन टाइम हुआ, 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, 2 बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड 2 वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है। और यह कंटेंट वन टाइम हुआ, 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया।
सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी? क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम वॉच है। सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है। विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी? क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा।
शुरुआत अच्छी है लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखें लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी, फैन है तो ही देखे वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है, बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं लेकिन हाँ विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखें लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है,
ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है। विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, 2 बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं लेकिन हाँ विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड 2 वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है। ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है।
विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी? क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम वॉच है। सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है। विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी? क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए
आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकेंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी, फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है, बीवी दो बच्चे एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है।
उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं लेकिन हाँ विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले।
कहते हैं विजयी के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है। विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, 2 बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी? क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड 2 वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है। विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, 2 बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है।
फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकेंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ
एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है। और यह कंटेंट वन टाइम हुआ, 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है। और यह कंटेंट
वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है। विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, 2 बच्चे, 1 कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड 2 वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है। विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान
बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी? क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी? क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता।
संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखें, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी, फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है, बीवी दो बच्चे एक कैफे आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखें, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन
उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है। और यह कंटेंट वन टाइम हुआ, 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, 2 बच्चे, 1 कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड 2 वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है। ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं, तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है। और यह कंटेंट वन टाइम हुआ, 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%।
यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है, बीवी दो बच्चे एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम वॉच है। सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है, फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी, फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है, बीवी दो बच्चे एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है।
हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकेंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखें, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी, फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है, बीवी दो बच्चे एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है। लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखें, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगता है। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में
मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है। और यह कंटेंट वन टाइम हुआ, 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, 2 बच्चे, 1 कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी? क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड 2 वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है। ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है। और यह कंटेंट वन टाइम हुआ, 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया।
सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है, लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन सेकेंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा, वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है, लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है, लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है, और यह कंटेंट वन टाइम वॉच है। सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे, वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है, लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इसी सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है, जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा।
शुरुआत अच्छी है लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखें लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है, ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी, फैन है तो ही देखे वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। थलपति विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है, विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है, जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है, बीवी, दो बच्चे, एक कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए, तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं लेकिन हाँ विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है, लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखें लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड दो वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है,
ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले। विजय के फैंस फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे लेकिन बाकियों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है सेकंड हाफ। थलपति विजय एक ऐसे स्टार है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके फैंस सीटियां तालियां खूब बजाते हैं। लियो में ही ऐसा हुआ है। विजय के स्क्रीन पर आते ही थिएटर में बवाल मच गया। सुबह 9:30 बजे का हिंदी वाला शो 80% फुल था और तमिल वाला शो 100%। यही स्टारडम होता है लेकिन क्या स्टारडम ही अच्छी फिल्म का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। लियो एक वन टाइम वॉच है जिसका फर्स्ट हाफ अच्छा है तो सेकंड हाफ आपके सब्र का इम्तिहान बहुत अच्छे से लेता है। ये कहानी एक पार्थिवन नाम के ऐसे शख्स की है जो हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता है। बीवी, 2 बच्चे, 1 कैफे, आराम की जिंदगी। लेकिन अब कहानी में हीरो विजय है तो एंट्री दमदार होनी चाहिए। तो शुरुआत में ही वो गांव वालों को एक खूंखार जानवर से बचाते हैं और पता चलता है कि इस सीधे साधे आदमी की हकीकत कुछ और ही है। फिर कहानी में संजय दत्त आते हैं जो पार्थिवन से कहते हैं कि वो लियो है जिसका एक खूंखार इतिहास भी है। आप कौन है ये लियो? क्या पार्थिवन ही लियो है? क्या ये लियो की कहानी? क्यों होता है इस कहानी में इतना खून खराबा? ये देखने के लिए आप चाहे तो थिएटर जा सकते हैं लेकिन हाँ विजय के फैन हैं तो ही जाइएगा। शुरुआत अच्छी है लेकिन वही साउथ इंडियन मसाला फिल्मों जैसी है। हीरो है तो कुछ भी करेगा लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ विजय के स्टाइल, स्वैग और एक्शन की वजह से ठीक लगता है, मजा आता है लेकिन सेकंड हाफ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। संजय दत्त की एंट्री तो जबरदस्त तरीके से होती है लेकिन उनके आते ही फिल्म ढीली पड़ जाती है। फिल्म में कोई एक्शन सीन है जो शानदार है लेकिन ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सब देखा देखा सा लगता है, कुछ नया नहीं है। फिल्म का सस्पेंस कोशिश करता है कि आप थिएटर में दिलचस्पी बनाए रखे लेकिन सेकंड हाफ इतना खींचा जाता है कि आप बोर होते हैं और फिल्म खत्म होने का इंतजार करते हैं। सिर्फ एक विजय है जिनके सहारे आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। तो विजय के लिए ही जाएंगे तो ही जाइएगा वरना पैसे खराब होंगे। विजय की एक्टिंग जबरदस्त है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग स्क्रीन पर आग लगा देता है। उनके यंग और ओल्ड 2 वर्जन दिखते हैं और दोनों में वो कमाल लगते हैं। उनके फैंस खूब तालियां सीटियां बजाते हैं। त्रिशा फिल्म में अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। संजय दत्त ने ठीक ठाक काम किया है। ऐसे रोल अब वो बहुत कर चुके हैं तो उन्हें अब ऐसे रोल में मना कर देनी चाहिए। बाकी की किरदार ठीक है लेकिन एक दमदार विलन की कमी काफी महसूस होती है। लोकेश कनकराज का अपना एक स्टाइल है जो इस फिल्म में भी दिखता है लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। एक सुपरस्टार के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो ओपनिंग तो मिल जाती है लेकिन आगे का सफर फिल्म का कंटेंट तय करता है और यह कंटेंट वन टाइम हुआ। 6 सेकंड हाफ में फिल्म पर पकड़ ढीली हो जाती है। फिल्म को आराम से छोटा किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका खामियाजा दर्शक भुगतते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, फिल्म को एक पैसे पेस देता है। कुल मिलाकर विजय के फैंस को ही ये फिल्म पसंद आएगी। फैन है तो ही देखे वरना OTT पर आने का इंतजार कर ले।